निकाह के हवाले से क्योंकि हमने बात की रिश्ते का किस तरह से इंतखा कोई ख़ास जो है वो पैमाना उसमें हमें बताया गया है अहल बैत की तरफ से जब आप अगर लड़का है तो अपने लिए बीवी तलाश करने जा रहे हैं तो उसका क्या पैमाना होना चाहिए या अगर लड़की है वो अपने लिए शोहर देख रही है तो कोई ख़ास मैार हमारे पास आयमा अहल बैत से मौजूद पहला तो यही है कि मोमिन हो यानी मुसलमान हो आयमा कुफ -कुफ मुराद, मैचिंग हो, मैचिंग मुराद ये इनमें एक इमकान हो के जिंदगी अच्छी गुजरेगी जी। अच्छा अब मुमकिन है कि इसमें एज डिफरेंस हो लेकिन जिंदगी अच्छी गुजरेगी और मुमकिन है कि फैमिली का फर्क हो लेकिन अच्छा गुजर सकता है तो अब क्योंकि इन इन चांसेस को लिया नहीं जा सकता एज डिफरेंस को और इन चीज़ों को तो फिर कहा जाता है कि हम पल्ला हों और एक मैचिंग हो लेकिन बाज दफ़ा सारी मैचिंग्स के बाद भी शादी अच्छी नहीं होती तो पहला मरहला तो आता है कि क्या देखना है क्या तो ईमान देखना है और ऐसा कि जो इनका चल जाए अब देखें ये जहन में रखना चाहिए कि इसको लोग बोलते हुए घबराते भी हैं कि पैसे वाला लड़का जो है वो ढूंढ रहा है खूबसूरत तो और छोटी उम्र की लड़की इसको ये भी तो सोचना चाहिए इस लड़की को भी तो कुछ चाहिए था सही <laughs> तो ना? उसको भी तो ज्यादा नहीं देखना चाहिए यानी अच्छी जिंदगी अगर उसको गुजारनी है जी तो वो ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा छोटी ना ले अच्छा क्यों मुमकिन है कि वो लड़की बेचारे घुटघुट के रह रही हो सही तो बहुत फर्क नहीं होना चाहिए बहुत फर्क नहीं लेकिन अगर कोई वाहन खुश है लेकिन आज कल तोबला जो बच्चे हैं वो तो मेरा है? नहीं ख्याल के, के वो अगर आप जो नए जनरेशन है वो बहुत ज्यादा गैप को प्रेफर नहीं करती है वो उनकी कोशिश ये होती है कि अपने अच्छा, हम की जो है वो वो अगर लड़का है तो वो अपने हम जो नौजवान है इनमें देखने में आ रहा है कि ज्यादा ज्यादा फर्क ना हो जी तो इसमें भी कहा जा सकता है ये भी जो है वो कल्चर का है कल्चर अब अगर आप अभी भी देखें माजी में भी देखें तो उमन जो कल्चर है तो सारी दुनिया का वो लड़का बड़ा हो और एक फर्क हो जी, अच्छा अब फितरी फित्र से भी देखा जाए तो लड़की जल्दी मेच्योर होती है जी, लड़के देर में होते सही, हैं इसी एतवार से फिजिकली एतवार और अगर बाद में देखा जाए शादी के बाद तो, तो, तो लड़कियां जल्दी, जल्दी उम्र रसीदा लगती हैं बेनस्बत मर्द की तो अगर गैप होगा तो ये जिंदगी ज्यादा ज्यादा बेहतर वरना लड़कियाँ डिप्रेशन में चली जाती हैं। वो किस कैसा डिप्रेशन के पता चला लड़का जो है वो उनका वो छोटा लग रहा है छोटा लग रहा और लग है।, है और ऐसा होता है वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाती होगी वो लड़की क्योंकि अगर करें उसका मियाँ जो है वो गुड लुकिंग हैंस, है और अपने वो जो है वो आपको बताऊँ की ये बात है हमारी मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था और हमारे ही इलाके में एक ऐसी फैमिली थी कि उनके मियाँ छोटे लगते थे जी तो मुझे अब तक याद है कि हम और हमारी वालदा जो हैं एक फैमिली को इनवाइट करने के लिए गए जहिर न्यास के लिए जी। तो खिड़की में उनके मियाँ खड़े थे अच्छा और अब तक मुझे याद है तो हमारी वालदा ने कहा बेटा मम, अम्मी को बुलाना तो जैसे ही कहा तो मैंने कहा अम्मी ये तो अंकल हैं तो अब तक हमें याद है कि अम्मी भी हमारी इतना कि चलो 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 और वो साहब मुस्कुराते हुए अंदर चले गए क्योंकि उनके यहाँ तो छोटे लगते थे उसके तो... बाद तो वो खिड़की पे भी आने की इजाजत नहीं होगी उनको अच्छा अब उसके बाद जो है वो आप यकीन जाने कि हम और हमारी वालदा इस वजह से ये बड़ा गलत हो गया लेकिन ये इतना अचानक हुआ कि उनको बगैर दिए आ गए थे तो एक ये प्रॉब्लम हो जाता है जखीन, तो ये है तो ये लड़कियों को ये समझना चाहिए, समझना चाहिए। समझना दूसरा जो अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि लड़कियां ये हमें कई दफा सुनने में आया जब हमसे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं कि दो साल का फर्क हो तीन साल का ज्यादा ज्यादा या बराबर हो तो होता यह है कि लड़कियां जब लड़के जब शादी के काबिल होते हैं तो वो होते हैं कम से कम सत्ताइस अट्ठाईस के और लड़कियां जल्दी लड़कियां जो हैं वो सत्ताइस अट्ठाईस में बजहिर उनका टाइम गुजर चुका होता है या वो सत्ताईस अट्ठाईस साल वाले जी। देखें अब प्रॉब्लम क्या है लड़कियां कह रही हैं कि ये हमारे बराबर हो या एक आध साल बढ़ाओ एक आध साल बढ़ाओ हो लड़के तो नहीं कह रहे ये तो यहाँ पर जब ये मामला होगा तो हमेशा मामला दो जानव से होते हैं ये लड़कियां अपने आप को क्यों धोखा दे रही हैं जब लड़के ऐसा नहीं चाह रहे हैं तो इनके लड़के कहाँ से आएंगे उतर के और यकीनन लड़के लड़कों को सेट होने में एक एक थोड़ा सा तो टाइम ज्यादा लगता है, ताली है पूरी करके लड़के भी अगर ये कह रहे हो हमें बराबर की चाहिए तो फिर तो साइंस तो फिर तो शादियां हो जाएंगी जी देखे बात ये होती है कि जी, शादी के लिए तो शादी तो जब होगी ना जब वो करेगा ऐसी शर्त या ऐसी ख्वाहिश की जो दूसरी जानब से ना हो ना हो